देख रहे हैं हमारा चैनल एक्टिव नजर। दोस्तों हमारा गन्ना का बागान है, अभी थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है। वो गन्ना का बागान आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत बढ़िया सा मतलब एक वीडियो लेके आया। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और गन्ना का बागान देख के पूरा सा बोलिएगा कैसा बागान हुआ और कैसे अच्छा हुआ, मेरा बागान का जो फसल है कैसा हुआ है। वो दोस्तों और कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता हूँ, डेली ब्लॉगिंग वीडियो और ट्रेवलिंग वीडियो और कुछ रेसिपी वीडियो लेके आता हूँ। मेरा चैनल में जाइएगा, बहुत सारा रेसिपी वीडियो मिलेगा और वो ट्रेवलिंग वीडियो बहुत सारा, आपको नया नया जगह में मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो बहुत सारा रेसिपी वीडियो मिलेगा, इधर से देख पाएंगे बहुत सारा अच्छा सा वीडियो मिलेगा। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करके स्टार्ट कर। गाइज ये मेरा सुंदर सा गाँव है, आज सुबह का टाइम में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये फार्म है, चिकन का फार्म है और साइड में देखिए नारियल का पेड़ है और ये दाल का खेती है। ये देखिए कितना सुंदर सा मेरा गांव है और प्यारा सा गांव है। दोस्तों सुबह का टाइम में देखने के लिए गांव को और एक दुल्हन की तरह लगता है, इतना सुंदर लगता है कि पूरा हरियाली छाया हुआ है और हरा भरा है और किसानों को तो कमी नहीं है दोस्तों, किसान ही किसान है इस गाँव में। बहुत देख पा रहे दोस्तों गन्ना का बागान है, इतना सुंदर सा बागान है, बहुत बढ़िया अच्छा लगता है सुबह का टाइम में घूमने के लिए, बहुत बढ़िया लगता है। मेरा भी ड्यूटी का टाइम है और ड्यूटी का टाइम से गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, बस जाते जाते समझे गन्ने का बागान देखने के लिए आया, बहुत अच्छा लगा इसीलिए जाते जाते समझा वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ। पीछे से रोड है देखिए, बहुत बढ़िया सा रोड है और थोड़ा आगे चलते जाके आप लोगों को रोड दिखाते हैं। दोस्तों अच्छा लग रहा है गांव देखने के लिए सुबह का टाइम में, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, टाइम पास करने के लिए बहुत बढ़िया, इतना अच्छा लगता है कि मैं सुबह का टाइम में इधर जॉगिंग करते हैं, आदमी एक्सरसाइज में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और यही कुछ नहीं है मेरा गांव और देखिए इतना सुंदर सा गाँव है। मेरा गाँव तो मेरे को बहुत प्यारा है, लेकिन सबका ही गाँव सबका प्यारा है। गाइज ये छोटा सा गन्ना का बागान है, गाइज आप देख पा रहे हैं इतना सुंदर सा बागान है और छोटे छोटे गन्ना अभी भी है, अभी बड़े नहीं हुए, पहले जो बड़े हुआ था वो तो सही हो गया है। अभी ये गन्ना का बागान देखिए, अभी छोटा छोटा गन्ना और इतना सुंदर सा हुआ, बारिश दिया, बारिश के बाद में इतना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और ये देखिए मेरा गन्ना का बागान बहुत बढ़िया, ये साइड में देखिए कुछ नारियल का बागान है, इतना सुंदर सा नारियल का बागान है और नारियल भी पकड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे थोड़ा दूर है। और ये मेरा गाँव है देखिए दोस्तों, ये सुबह का टाइम में आसमान ज़मीन ये हरा भरा ज़मीन देखने के लिए इतना अच्छा लग रहा है, सुबह का टाइम में मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। ये साइड में देखिए पूरा नारियल का बागान है, बहुत सारा नारियल है दोस्तों। और हमारा हॉलीडे डी कर्नाटक का जो मैसूर है, इसमें वो मतलब ये बोलते हैं ना कोकोनट, बहुत सस्ता। कैसे हो आप लोग? भगवान की कृपा से तो सब कुछ सब तो ठीक हो। और आज सुबह का टाइम है, बहुत सुंदर सा टाइम है दोस्तों, अब मेरा पीछे में देख पा रहे इतना सुंदर सा खूबसूरत है, पूरा आकाश में बादल छाया हुआ है, अब बहुत बढ़िया लग रहा है देखने के लिए। तो मैं समझा आप लोगों के साथ में कुछ वीडियो शेयर करें और हमारा गन्ना का खेती कैसे बहुत बढ़िया हो गया वो दिखाने के लिए आप ये स्पेशल वीडियो है और कुछ नहीं। देख पा रहे हैं दोस्तों ये इतना सुंदर सा आसमान में देखिए इतना सुंदर सा बादल छाया हुआ है, वेदर बहुत रंगीला है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों गन्ने का बागान आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं दोस्तों, चलिए मेरे साथ। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। लगा मेरा दोस्तों मेरा आज का वीडियो, बहुत से छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं तो बाग दौड़ में बनाया था आप लोगों को बागान दिखाने के लिए, बहुत अच्छा लगा इसलिए आप लोगों का साथ शेयर किया वीडियो। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और बाय बाय दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ।